हे गाइस, तो आज मैं जा रहा हूँ अपने काम के लिए बात करने बड़का गांव, क्योंकि मैं इधर ब्लॉग बनाता हूँ तो इसमें भी आखिर अपना भी कुछ खर्चा होता है। तो साइड में पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ बड़का गांव बात करने के लिए। वो जॉब है डिलीवरी बॉय का है काम, तो मैं वही बात करने जा रहा हूँ। देखते हैं, अगर काम बन जाता है तो फिर मैं ब्लॉग के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करूँगा डिलीवरी बॉय का। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं बड़का गांव पहुँच चुका हूँ, अब जाके बात करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर काम बन गया तो अच्छा होगा, साइड में अपना इनकम भी आते रहेगा और इधर मैं अपना ब्लॉग बनाते रहूँगा। ये है बड़का गांव का मार्केट, डेली मार्केट होते हैं यहाँ सुबह 24 घंटा, समझिए यहाँ मार्केट लगा हुआ रहता है, सब्जी मार्केट है। और यहीं पे दुर्गा मंदिर भी है, अश्विनी दुर्गा मंदिर, जय माता दी। मैं ये काम नहीं भी कर सकता हूँ, बट मुझे अब मैंने ठान लिया कि मैं जो भी करूँगा खुद के दम पे करूँगा, किसी के भरोसे नहीं, इसलिए मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। ये काम मिल जाने से मुझे बहुत ही मदद मिलेगी। तो बस अब हम लोग लगभग सूर्य मंदिर पहुँच चुके हैं, अब मैं कॉल लगाने जा रहा हूँ उन्हें। तो फाइनली हम लोग फ्लिपकार्ट का ऑफिस पहुँच चुके हैं, अब सर के आने का वेट कर रहे हैं। सर आएंगे तब उनसे बात करेंगे। ये रहा फ्लिपकार्ट का ऑफिस, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं आके। तो गाइस फाइनली हम लोग फ्लिपकार्ट वहाँ, तो गाइस फाइनली मैं बड़का गांव से वापस आ चुका हूँ अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो गया सर से बात किया मैंने, तो सर का कहना है कि अगर मैं वो जॉब करता हूँ तो मुझे दिन भर का वक्त वहाँ देना होगा, बट अगर मैं दिन भर का वक्त वहाँ दूंगा उस काम पे तो फिर अपना ब्लॉग कैसे बनाऊंगा। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वो डिलीवरी बॉय वाला काम नहीं करूँगा। अगर मैं वो काम करता हूँ तो मैं अपना ब्लॉगिंग वाला काम नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये छोड़ना होगा। तो फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है उस काम की, मैं इधर उधर से मैनेज कर लूँगा, बट अपना ब्लॉगिंग चालू रखूँगा।